हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो मेरे और आपके लिए थोड़ा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको पतंजलि आयुर्वेद से चल रहे मेरे ट्रीटमेंट का डिटेल्स रिव्यू बताने जा रहा हूं। इससे पहले भी एक वीडियो के जरिए मैंने आपको अपनी एक साल की ट्रीटमेंट से रिलेटेड रिव्यूज़ बताए थे। अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा कि पतंजलि हरिद्वार से ट्रीटमेंट कराते हुए पिछले एक साल के मुकाबले यह दो साल कैसा रहा, क्या जिस तरह की रिजल्ट की उम्मीद मुझे थी वह मुझे मिला, कितना फ़ायदा हुआ, क्या अभी भी मुझे पेन किलर खाने की ज़रूरत होती है, वगैरह वगैरह। वीडियो को अंत तक इसलिए देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आप पतंजलि हरिद्वार में होने वाली ट्रीटमेंट के बारे में एक पेशेंट के अनुभव से वह सब कुछ जान पाएंगे, जिसे लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिल। फ्रेंड्स, दो साल पहले जब मैं पतंजलि हरिद्वार के डॉक्टर से मिलकर आया था, उनकी लिखी दवा खाई और जैसा उन्होंने एक्सरसाइज बताया था वह सब किया और लगातार करता भी आ रहा हूँ। मैंने अब तक दो बार पतंजलि हरिद्वार जाकर अपनी ट्रीटमेंट का फॉलोअप भी लिया है। अभी लास्ट टाइम मैंने जून में फॉलोअप किया था, जिसमें डॉक्टर ने पहली वाली दवाइयाँ ही देते रहने के लिए कहा है। इसके अलावा बताए गए एक्सरसाइज भी करते रहने को निर्देश दिए हैं। यहाँ यह जानना आपके लिए ज़रूरी है कि पतंजलि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से पहले मुझे किस तरह की परेशानी थी। मुझे लगातार स्टिफनेस महसूस होता था, कमर में, गर्दन में और हिप जॉइंट में दर्द बना रहता था। कब्ज की समस्या भी थी जो स्टिफनेस और दर्द को और भी बढ़ा देती थी। इसके अलावा रात को नींद की कमी और चिड़चिड़ापन भी बना। फ्रेंड्स, अब आइए आपको यह बताता हूँ कि पतंजलि की दवा शुरू करने से पहले मैं कौन सी दवाई लेता था। मैं दो बार साज 1000 mg लेता था। दर्द और स्टिफनेस के लिए निकोक्सिया MR मुझे दो बार लेना पड़ता था। इसके अलावा पेंटॉप और कई बार दर्द ज़्यादा होने की वजह से कुछ बार तो स्टेरॉयड भी लेने पड़ते। सवाल यह है कि क्या मुझे पतंजलि की दवा से लक्षणों में सुधार हुआ है और क्या अभी भी मुझे पेन किलर सहित अन्य दवाइयाँ लेनी पड़ती है। इसका जवाब यह है दोस्तों कि अब मुझे 85% स्टिफनेस और 70% पेन से राहत मिल गई है। इसके अलावा गर्दन और कमर दर्द अब केवल 10% ही रह गई है। हाँ, हिप जॉइंट के दर्द में अभी भी लगभग 50% आराम है। कभी यह दर्द थोड़ा बढ़ जाता है तो कभी इसमें कमी आ जाती है। रात को अब नींद आती है। पहले मैं केवल 4 घंटे ही बड़ी मुश्किल से सो पाता था, लेकिन अब 6 से 7 घंटों की नींद पूरी हो जाती। मुझे दर्द और स्टिफनेस से आराम के लिए दिन में 2 बार पेन किलर लेना पड़ता था, अब वह हफ्ते में 1 या 2 बार लेता हूँ, जब भी हिप जॉइंट का दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। साज 1000 mg अभी भी मैं 2 बार ले रहा हूँ, क्योंकि एलोपैथ वाले डॉक्टर ने इसे बंद करने से मना किया है। मैं पेंटॉप तभी लेता हूँ जब पेन किलर लेता हूँ। वहीं स्टेरॉयड लेने की नौबत ईश्वर की दया से अभी तक नहीं है। करने की अब आदत हो चुकी है। मेरा वज़न भी अब बैलेंस हो गया है। और सबसे खास बात कि पिछले 3 वर्ष में एक बार भी मेरा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है। आज से 3 साल पहले के वक्त को मैं याद करता हूँ तो मुझे यह याद आता है कि मैं दर्द की वजह से कई बार ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती थी। इस चक्कर में एक बार पहले मुझे अपना जॉब भी छोड़ना। फ्रेंड्स, एक और ख़ास बात जो आप सबके लिए जानना ज़रूरी है, 3 साल पहले मेरा स्पाइन बेंड होना शुरू होने लगा था। इसके अलावा मेरी गर्दन भी 30 से 40% तक स्टिफ हो गई थी। पतंजलि के डॉक्टरों के बताए हुए एक्सरसाइज का सबसे अधिक फ़ायदा मुझे इन्हीं दोनों मामले में हुआ है। फ्रेंड्स, मेरे लिए कुछ डिसीजंस बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए जो मैंने समय पर ले लिया। अगर निर्णय लेने से चूक जाता तो शायद आज मैं बुरी स्थिति में होता और इलाज के लिए इधर उधर हाथ पांव मार रहा होता। मैं कास्ट इंडिया फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पतंजलि जाने वाली टीम में हिस्सा बनाया। अब मेरा कॉन्फिडेंस पहले से बहुत बेहतर है और जीवन जीने की चाह बढ़ गई। दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम रोज कुछ समय के लिए एक्सरसाइज करने की आदत बनाएं, क्योंकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मामले में मैंने योग और एक्सरसाइज का कमाल खुद महसूस किया है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो को
आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे AS मरीजों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।